कल रात को हमको लगभग 50 के कोविड-19 के रिजल्ट्स मिले हैं, जो कि सब के सब नेगेटिव है। उसमें खास बात यह है कि जो पूर्व में हमारे कारगिल के 2 पॉजिटिव केसेस थे, वो भी नेगेटिव आए हैं। और जिस तरह से प्रोटोकॉल है, ये दोनों पॉजिटिव केसेस का, क्योंकि पूर्व में कैसे पॉजिटिव थे, 2 बार नेगेटिव प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने दोबारा उनके सैंपल्स भेजे हैं, अगर ये भी हमारे नेगेटिव आते हैं तो हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। सबसे पहले तो जो हमारे तीर्थ यात्री हैं ईरान में, हम लोग उनसे टच में हैं। साथ ही साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी टच में हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे आप लोगों को जानकारी है कि 200 से ज़्यादा लोग जो है तीर्थयात्री वापस आ चुके हैं, और वो क्वारंटाइन पे हैं। जैसे उनका क्वारंटाइन का जो टाइम होता है, और जो हमारा ये लॉकआउट का पीरियड टाइम ओवर होता है, तो उनको हम लोग शीघ्र यहाँ लाएंगे। बाकी लोगों का भी हमारा बात चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो लोग यहाँ आएंगे। जी, हम लोग टच में हैं उनके साथ। स्टूडेंट्स के वेलफेयर को देखकर हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के सामने रखा था कि हमारे जो डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली में, मैडम सुमिरा शेट्टी, उनको हम लोगों ने नोडल बनाया था। साथ ही साथ हमारा 7 ऑफिसर्स का टीम जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, और 2 ऑफिसर्स का जो टीम है वो चंडीगढ़ में है। हम लोग उनके साथ, स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी है कि भारत सरकार ने हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर बना रखा है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। तो हम लोगों ने पहले भी स्टूडेंट्स को ये अपील किया है कि वो जो स्टेट के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो उनसे पहले मिले और अपने प्रॉब्लम्स को रखें। वहाँ पर अगर रिजॉल्व नहीं होता तो मैडम सुमेरा शफी है, उनका नंबर और उनका ईमेल हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी किया है, और बच्चे उनको कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात रही बच्चों को यहाँ लाने के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूरे कंट्री वाइड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी ये जो लॉकआउट है इसका पीरियड ओवर होगा, तो जो हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स है उसके थ्रू स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे आपको जानकारी है कि पूरे भारतवर्ष में करीब 15,000 के लगभग लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लाना यहाँ अलग से कोई व्यवस्था करना वो संभव नहीं है, और प्रैक्टिकल भी नहीं है वो। एक चीज़ तो ये हमको मानना पड़ेगा कि हम लोग एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और उसमें नॉर्मल सी जैसा कोई स्टेटस तो आ नहीं सकता। ये तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा, ये हम लोगों की भी पर कोशिश है। अगर आप पिछले सालों का अगर आंकड़ा देखें, तो जितना आपको अभी सब्जी मिला है, जो अभी हम लोग ने दूध और अंडे लाए हैं, और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में और सब्जी लाएंगे, वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब हिस्टोरिकली ये आप आंकड़े देख लीजिए, आपको साल के इस समय में इतना सारा सब्जी कार्गो से कभी आया नहीं है। रही दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हम लोगों ने कल और परसों भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह एंड कारगिल है, उनके थ्रू हम लोग जो है ये सब्जी या एसेंशियल कमोडिटीज़ बांटेंगे। तो बेनिफिशरी सेलेक्ट करना, स्पॉट सेलेक्ट करना, और कब कितना लाना है, ये जो है ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव जो आपके यहाँ काउंसलर्स हैं जो कि इस इश्यूज़ को देख रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ को, उनके हम गाइडेंस में हम लोग ये करेंगे। बल्कि हम इसके ओवर एंड अबव टॉपअप के लिए अगले 3 महीने के लिए अपना स्टॉकिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास और 3 महीने के लिए सफिशिएंट स्टॉक है, तो स्टॉक की कोई कमी नहीं है। जिसमें आपके पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, या आपके VTMs है जिससे हम लोग सैंपल्स भेजते हैं, या हमारे मास्क हो गए या ग्लव्स हो गए, जो भी हमारे डॉक्टर्स को चाहिए वो इस वक्त हमारे पास है। वो है पब्लिक का हेल्थ, और ये इंश्योर करना कि जो स्प्रेड हो रहा है जो वायरस, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहे और वो जो है आउटब्रेक ना हो किसी तरीके का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है। उसके बाद जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसके अंदर फेजेस है 14 और 28 डेज का। तो अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो 28 डेज से पहले तो हम लोग बिल्कुल उसको खोलेंगे नहीं है। और एग्रीकल्चर की जहाँ बात है, तो जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसमें एग्रीकल्चर के लिए कुछ रिलैक्सेशन ज़रूर है, बट क्योंकि अब कंटेनमेंट एरिया के अंदर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमको। तो हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अभी हमारे लिए हेल्थ सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। जी, मेन रोल होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन का, और उसी लिए हम लोगों ने मैडम सुमेरा शफी को वहाँ पर नोडल इंचार्ज बनाया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक टीम हम लोगों ने भेजा है जो कि इस वक्त दिल्ली में है, एक टीम हमारे चंडीगढ़ में है, और हमारे जो नोडल ऑफिसर्स है जो लद्दाख हाउस और कारगिल हाउस देखते हैं जम्मू में, उनको भी हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स बनाया है। तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन का काम है। रेस्ट हम ये मानना चाहेंगे कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना काम अच्छी तरह कर रही है। अदरवाइज आजकल के ज़माने में हम लोग एक्सेसिबल हैं, कोई भी बात है तो स्टूडेंट्स अपने जो है जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू पहुंचा सकते हैं हम तक। जी,
जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो अभी आ गया है. हम लोगों ने ले में एक स्पॉट भी डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पर करेंगे, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशंस बहुत है. वो मेन आबादी से दूर होना चाहिए. सेकंड, उसके लिए हमको एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए. अभी आपको जानकारी है कि लद्दाख में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक जो पैथोलॉजिस्ट है उनको ट्रेनिंग दे. तो ये उसमें ज़रूर समय लगेगा क्योंकि स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई. तो हम लोग इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे. हम लोग टच में हैं उनके साथ. स्टूडेंट्स के वेलफेयर को देखकर हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के सामने रखा था कि हमारे जो डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली में, मैडम सुमिरा शफी, उनको हम लोगों ने नोडल बनाया था. साथ ही साथ हमारा 7 ऑफिसर्स का टीम जो है वो इस वक्त दिल्ली में है, और 2 ऑफिसर्स का जो टीम है वो चंडीगढ़ में है. हम लोग उनके साथ स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं उनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी है कि भारत सरकार ने हर स्टेट में एक नोडल ऑफिसर बना रखा है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए. तो हम लोगों ने पहले भी स्टूडेंट्स को ये अपील किया है कि वो जो स्टेट के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो उनसे पहले मिले और अपने प्रॉब्लम्स को रखें. वहाँ पर अगर रिजॉल्व नहीं होता तो मैडम सुमेरा शफी है, उनका नंबर और उनका ईमेल हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी किया है, और बच्चे उनको कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं. दूसरी बात रही बच्चों को यहाँ लाने के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि पूरे कंट्री वाइड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. जब भी ये जो लॉकआउट है इसका पीरियड ओवर होगा तो जो हमारे कमर्शियल फ्लाइट है उसके थ्रू स्टूडेंट्स आ सकते हैं. अदरवाइज हमारा कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे आपको जानकारी है कि पूरे भारतवर्ष में करीब 15,000 के लगभग लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको लाना या अलग से कोई व्यवस्था करना संभव नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है. जी जब्त हुए चला खक्चन होने पहले मजे गल प्रायोरिटी इन ले त्यो तास ते जखमा सुम सोम ले मजे एयरफोर्स कार्गो ना मजे छोतमा खोचे सूर्य जोश मिल ले तेने ठुल नाउमा खोचे संग सूर्य जोश मिल ले छोतमे ना छंग संगला ता छोतमे संगला मजे चोंग खोच मिल ले काओ मजे टन टुक चिकन पिने तो फिर पे चोसते ले ना कारगिल डिस्ट्रिक्ट इसका मजे डिस्ट्रीब्यूट चोसते ले जुजिला पेचेस पो तकसा मजे संभव मता इन ले बट एसेंशियल कमोडिटीज है मजे सिलेंडर सोम ले यांग डीजल ना पेट्रोल सोम ले ते फिर मजे जुजिला माँ जो कंट्रोल बे ना मजे इस्तेमाल चुचन ले दपर दक्षा तो आम दक्षा इस्तेमाल चुचे मान ले कुले कुले चुचन ले. तो ये इंश्योर करेंगे कि जो ले के डिस्ट्रिक्ट का जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके थ्रू आप लोगों को जो उस दिन का ब्रीफिंग होता है मीडिया ब्रीफिंग होता है उसका वीडियो भेज दे. अदरवाइज इट्स अ ओपन फोरम टेक्नोलॉजिकली अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहे तो विल गिव दैट एक्सेस ऑल्सो. हम लोग वी आर ओपन टू दैट. बल्कि हम इसके ओवर एंड अबव टॉपअप के लिए अगले 3 महीने के लिए अपना स्टॉकिंग कर रहे हैं. इस वक्त हमारे पास और 3 महीने के लिए सफिशिएंट स्टॉक है, तो स्टॉक की कोई कमी नहीं है. जिसमें आपके पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, या आपके VTMs है जिससे हम लोग सैंपल्स भेजते हैं, या हमारे मास्क हो गए या ग्लव्स हो गए, जो भी हमारे डॉक्टर्स को चाहिए वो इस वक्त हमारे पास है. ये जानकारी तो मुझे आपके माध्यम से मिल रहा है और एक गंभीर समस्या है. मैं इमीडिएटली इसको होम डिपार्टमेंट के साथ इसको टेकअप करूंगा. एंड आई विल इंश्योर दैट इट्स टेकन केयर ऑफ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.